जहां एक तरफ योगी सरकार सूबे में हर गरीब को पक्की छत देना चाहती है, मगर उसके कुछ अधिकारी योजनाओं पर जमकर पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र के संदलपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम दरियापुर जिगना का है, जहां पीड़ित राजकिशोर पुत्र अतर सिंह ने बताया कि मेरा प्रधानमंत्री आवास 2017-18 की चयनित सूची में क्रमांक नंबर 13 पर था, लेकिन पंचायत सचिव ग्राम प्रधान ने मिलीभगत साट काट करके मेरा आवास किसी दूसरे के नाम पर कर दिया। मैंने ब्लॉक से लेकर जिला तक, जिला से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत की, लेकिन जांच के नाम पर उच्च अधिकारी द्वारा निर्देश तो दिए गए, लेकिन ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने महज खानापूर्ति ही की है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान से बात की तो बताया कि पीड़ित का आवास तो आया था, लेकिन पिता का नाम दर्ज न होने के कारण दूसरे को दे दिया, लेकिन पीड़ित द्वारा उच्च अधिकारियों को अपनी व्यथा सुनाने और अधिकारियों ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही पंचायत सचिव ने बताया जांच जारी है, इस मामले में दिए गए आवास रिकवरी हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीड़ित को आवास मिलेगा या फिर एक बार फिर पीड़ित गरीबी ही निराशा हाथ लगेगी। मैडम उठी है नहीं? क्या नाम है आपका? संगीता। कहाँ रहती हैं? जिगना दरिया के परवा। जो आपको आवास के लेकर क्या शिकायत है? हमारी आवास आई थी और प्रधान ने पैसे की लालच में दूसरे को दे दी है। प्रधान ने पैसे लेकर दूसरे को दे दिया? हाँ। आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी आवास जो आई है हमको मिल जाए, हम बच्चे के साथ में सुखी से रह सके। अभी तक आपने कहीं शिकायत नहीं की इस बात को लेकर? शिकायत की थी। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कुछ कार्रवाई कोई नहीं बन रही। कोई अधिकारी घर में जांच करने नहीं आया? नहीं आए। आया। क्या नाम है? ब्रज किशोर। कहाँ रहते हैं? मैं तो मेरे दूसरे घर में रहता, मेरे भाई साहब के यहाँ आवास आया था, मगर प्रधान और सेक्रेटरी दोनों मिलके पैसे लेके दूसरे व्यक्ति को आवास दे दिया। मैंने बहुत सारी जांचें करवाई, जांच की करने के लिए कोई भी नहीं आया। आईटीआई लगाई, आईटीआई में एक लेटर भी आया, उनकी मैंने डीएम साहब को दिया, अभी तक उसका कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। आपके भाई की जो आवास आया था वो किस व्यक्ति को दिया गया है? रामकिशोर सनप बाबू राम। क्या वो इस लायक था? अब इतना तो कन्फर्म नहीं था कि लायक था या नहीं था, मगर इस बात को लेकर आपने कभी ग्राम प्रधान से कहा नहीं? ग्राम प्रधान को कहा तो वो कहते हैं जब मेरे आदमी को दे दिया जाएगा उसके बाद अपोजिट पार्टी को दिया जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्राम प्रधान वोट बैंक की राजनीति कर अपने लोगों को दे रहे हैं, चाहतों को। जी, वो अपने अपने वोट बैंक बना रहा है। क्या चाहते हैं आप? हमें अपना आवास मिलना चाहिए, हम यही चाहते हैं।